लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखिए। अपने मोबाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तरह तरह के लॉन्चर के यूज में लेते हैं, तरह तरह के वॉलपेपर लगाते हैं, तरह तरह की थीम को यूज में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा मैं आज आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ अपने मोबाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसपे आप जितने भी आपकी एप्लीकेशन है उनके आइकन को आप चेंज कर सकते हैं और उन आइकन में आप अपनी खुद की फोटो लगा सकते हैं या चाहे तो आप किसी और की भी फोटो लगा सकते हैं और उन आइकन के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आइकन का नाम है कैमरा, जैसे कैमरा है उस पर आप अपना नाम लिख के कैमरा लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब जितने भी एप्लीकेशन मैंने व्हाट्सएप को भी आप अपने हिसाब से उसका नाम अरेंज कर सकते हैं और उसका आइकन को सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड कई सारी मतलब वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं आप कैसे अपने आइकन्स को, मोबाइल के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं और अपने मोबाइल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के आइकॉन्स को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने चेंज करके रखे हैं आइकन को। यहाँ पे फेसबुक का आप देख सकते हैं, फेसबुक में भी मैंने अपनी फ़ोटो लगा के रखी है और ट्विटर में भी लगा के रखी है, इंस्टाग्राम में भी लगा के रखी है, व्हाट्सअप में भी लगा के रखी है। साथ में दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अरुण कैमरा लिख दिया है, मतलब जो कैमरा है उस पर अपना नाम, मतलब कैमरे एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप। तो एप्लीकेशन का नाम भी मैंने चेंज किया है, यहाँ पर अरुण मैसेज कर दिया है, अरुण फ़ोन कर दिया है और अरुण फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब आप सारे एप्लीकेशन के नाम भी चेंज कर सकते हैं। साथ में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या आप चाहें किसी और की भी फोटो लगा सकते हैं और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में और वहाँ पे इसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों हमें लिखना है आइकन चेंजर, ये दोस्तों ये है। दोस्तों, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये वाला एप्लीकेशन है दोस्तों दूसरे नंबर का, ये आइकन चेंजर फ्री। तो दोस्तों, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। 1 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, 4.2 की इसकी रेटिंग है और मतलब काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ में ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं आपको अब इसे ओपन करके यूज़ करना दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सिंपली मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो है बीच पे ये जो एंड्रॉयड के आइकन्स बने हैं इस पे हमें सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा और एक यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट के ऑप्शन में हमें शॉर्टकट से बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आइकन है, तो यहाँ पे आप जितने भी एप्लीकेशन हैं इन सब के आप आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये गूगल क्रोम है। अब दोस्तों, ये मैंने गूगल क्रोम को पहले क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ गया है गूगल क्रोम। अब आप इस पे चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों, पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे टाइटल जो लिखा हुआ है, टाइटल में या क्रोम लिखा है, यहाँ पे आप कुछ नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरुणी, लिख देता हूँ ARUN। ये दोस्तों, तो ये अरुण क्रोम मैंने लिख दिया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे चेंज में जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। रीसेट का मतलब जो आपका आइकन से वो पूरे रीसेट हो जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकन मतलब जैसा आइकन है पहले से वैसे ही हो जाएगा। और दोस्तों, ये गैलरी का जो ऑप्शन है, इस पर आपको जाना है। आपको अगर किसी की फ़ोटो लगानी है, खुद की फ़ोटो लगानी है, तो आप इस पर जाइए और यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया। और दोस्तों, आप इसको यहाँ से मतलब इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, रंग वगैरह इसके, डार्क वगैरह, ब्राइटनेस आप देख रहे हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से फिर क्लियर होने के बाद आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आपको कैसा मतलब चाहिए है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। मैं इसको नॉन ही रहने देता हूँ अभी। और दोस्तों, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे ओके में यहाँ पर जाके, तो दोस्तों ये जो आइकन है ये आपका क्लियर हो जाएगा, जो एप्लीकेशन है, और इस पर नाम भी चेंज हो गया है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अरुण क्रोम। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो क्रोम का है ये चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में,
अर्बन क्रोम नाम से चेंज हो गया और यहाँ पे इसका आइकन भी चेंज हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन देखने को मिलता है दोस्तों। इस पर आप बड़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने मोबाइल को, मतलब आपके मोबाइल अगर कोई फ्रेंड लेता है यूज़ में लेता है तो वो आपको मतलब मोबाइल को देख के ही चौंक जाएगा कि क्या है भाई, कैसे मतलब तूने ये किया। तो आप उसको मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था सिंपल सी ट्रिक दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। जी हाँ, जो काले कलर का लाइक का बटन दिख रहा है उसको नीला करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ऐसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सारी आपके लिए वीडियो ला चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी और वीडियोज़। तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनको भी पता चल जाए कैसे क्या करना है, इस पर आइकन कैसे चेंज करते हैं और नेम कैसे चेंज करते हैं एप्लीकेशन के। और अगर दोस्तों अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उसको जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे को आप सभी का साथ चाहिए है और आपके साथ से हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।